नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का यह अध्याय हीरोन का सूत्र को पढ़ेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यह पाठ में हम ज्यादातर त्रिभुजों और उनके संयोजन से बनने वाली आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भूमिका बनाते हुए देखेंगे कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी ऊंचाई और आधार को ज्ञात करके कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हर तरीके के त्रिभुज में यह तरीका लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अतः हम हीरोन के सूत्र को पढ़ेंगे और इसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपने यह सूत्र जरूर पढ़ा होगा। अब देखते हैं कि यह तरीका हर किसी त्रिभुज पर लग सकता है क्या? क्या यह तरीका तब काम आएगा जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों लेकिन ऊंचाई और आधार ना हो? अगर त्रिभुज समकोण हो तो समकोण को अंतर्विष्ट करने वाली दोनों भुजाएं में से किसी को भी आप आधार मान सकते हैं और दूसरे को ऊंचाई मान सकते हैं। इस तरीके से आप उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को मैंने आधार बना लिया है और दूसरी को ऊंचाई। इसको मैं उल्टा भी कर सकता था। अब आगे बढ़ते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी पर। इसमें हमें पता है कि ऊंचाई आधार को दो समान भागों में काटती है, तो अगर AB भुजा की लंबाई A हो तो AC की भी लंबाई A होगी और BC की लंबाई B है। तो ये जो बिंदु है D, तो ऊंचाई BC को दो बराबर भाग BD और DC में काटती है, दोनों की लंबाई B/2 है। अगर हम ABD त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं, तो हमें जान पड़ता है कि a² = b/2² + ऊंचाई का स्क्वायर। इससे हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं इस तरीके से। और आधार b है, तो इसलिए हम क्षेत्रफल इस प्रकार के त्रिभुज में भी निकाल सकते हैं। ये हो गई ऊंचाई, ये हो गया आधार और ये आधा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमने क्षेत्रफल निकाला, उसमें अगर हम बी को ए के बराबर कर दें तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इन तीन प्रकार के त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल पा रहे हैं, परंतु अगर हमें एक विषमबाहु त्रिभुज पता हो और उसकी तीनों भुजाएं के बारे में हमें पता हो, तो यह तरीका लगाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हैं। यह सूत्र कुछ इस प्रकार है, क्षेत्रफल √S(S-A)(S-B)(S-C)। यहाँ ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस उसका अर्धमा परिमाप है, इसे सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं, यानी S = a + b + c/2। चलो एक विषम भुजा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं हीरोन के सूत्र की मदद से। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। इसमें मान लेते हैं कि A 4 सेंटीमीटर है, B 5 सेंटीमीटर है और C 6 सेंटीमीटर है। तो S हो जाएगा 4 + 5 + 6/2, अर्थात 7.5 सेंटीमीटर। S - A हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, S - B हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर,
और एस माइनस सी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब इन सभी संख्याओं को अगर हम हीरोन के सूत्र में डालें तो हमें पता चलता है कि क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है। तो ये आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है। इसमें आप ऊंचाई निकालने में बहुत ज्यादा समय खर्च कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हम चतुर्भुज को त्रिभुजाकार भागों में बांटते हैं और हर भाग का एक एक करके क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की मदद से निकालते हैं और अंत में उन सबको जोड़ देते हैं और सबका योग पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। इस चतुर्भुज को हमने दो त्रिभुजाकार भागों में बांट दिया है, हमें हर भुजा का माप पता है, तो इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और अंत में दोनों को जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। क्षेत्रफल वन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है तथा क्षेत्रफल टू दूसरे का। ये वही तरीका है जो हमने पिछले पृष्ठ में देखा। तो क्षेत्रफल वन आ गया 15√7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल टू आ गया 2/2√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल वन और क्षेत्रफल टू का योग, अर्थात 15√7/4 + 2√14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 17.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि किसी भी आकार के त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमारे पास बहुत ही ताकतवर एक सूत्र हाथ लगा है। अब एक रोचक उदाहरण देखते हैं जो कि दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है कि छाते में हमें कितना कपड़ा लगता है। जैसे अभी एक छाता है, इसमें आप देख सकते हैं कि 9 त्रिभुजों को आपस में सी करके ये छाता बना है। हर त्रिभुजाकार हिस्सा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की भुजाओं से बना हुआ है। अब कपड़े का क्षेत्रफल होगा 9 गुना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 9 बराबर त्रिभुजाकार हिस्सों से ये बना है। तो हर त्रिभुजाकार हिस्से के लिए हम हीरोन के सूत्र को लगाएंगे, जो कि इस प्रकार मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल आता है 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अतः पूरे छाते में हमें 1800√6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता है। ऐसे कई और भी आप आकृतियों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिन्हें कि आप अलग अलग त्रिभुजाकार हिस्सों में बांट सकते हैं। हर हिस्से में आप हीरोन के सूत्र को लगाएंगे और बड़े रोचक आकृतियों के आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस पाठ का सारांश देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले तो देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाला जाता है, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है। तो इस पाठ में हमने नया ये पढ़ा कि अगर हमें तीनों भुजाएं पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, फिर भी हम क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हीरोन के सूत्र के द्वारा हमें पता लगता है। वो है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस अर्थ परिमाप है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको हीरोन के सूत्र के सभी अनुप्रयोग अच्छे से पता लगे होंगे और आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।